God. That's it. God revealed him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see this human person, they're born like a man, born in this world, the Father. ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो और नफ़रत जोड़ो अभियान है राहुल गांधी का। और इसीलिए जॉर्ज पोनैया जैसा व्यक्ति जिसको वहीं की पुलिस ने गिरफ्तार किया था हिंदुओं के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए, और केवल हिंदू नहीं पूरे भारतवर्ष और भारत माता के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए, इस व्यक्ति ने कहा था कि मैं इसलिए जूते चप्पल पहनता हूँ ताकि भारत माता जिसमें बहुत सारी इन्फेक्शन और डिजीज़ है उसके रोग मुझे मेरे शरीर को ना छुए। क्या राहुल गांधी ने ऐसे व्यक्ति को मंच देकर उनकी बातों को सराहने का काम, अपनाने का काम और मानने का काम किया है? और जब राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो वो व्यक्ति उनके सामने सरेआम हिंदू देवी देवताओं की शक्ति की अपमान करने का प्रयास करता है, अपमानित करता है, उनके खिलाफ अपशब्द बोलता है, कहता है कि वो सारे झूठे हैं, फेक है, उनको असली गॉड नहीं माना जा सकता, तब राहुल गांधी जो अपने आप को जन्युधारी शिवभक्त बताते हैं वो आज इस पर मौन। देखिए, वो मैं वीडियो देखा नहीं हूं, मगर ये देश जो है, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है और ये देश तमाम रिलीजन को मानता है। और ये देश की खूबसूरती यही है कि हम जो हर किसी, कोई खुदा को, कोई अल्लाह को, कोई भगवान को, तो ईसाई जीसस को, तो कोई गुरु नानक को, ये सब, या कोई किसी को नहीं मानता है, तब भी ये देश उन सब को सेलिब्रेट करता है। तो अगर किसी ने ऐसा कहा है तो उनको समझना चाहिए ये देश की खूबसूरती ये है, और इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है।